पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान और भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस ने पुलिस सहायता केंद्र गौरी सरोवर और पुलिस सहायता केंद्र हाउसिंग कॉलोनी का फीता काट कर उद्घाटन किया। हाउसिंग कॉलोनी और गौरी सरोवर पर ज्यादातर कोचिंग सेंटर हैं और वहां के छात्र छात्राओं और रहवासियों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। वहां देखा जाता था ज्यादातर फायरिंग होती थी, वहां के लोगों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। नहीं, पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कहा पुलिस सहायता केंद्र बनने से वहां के लोगों की सुरक्षा होगी और वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं को भी सुरक्षा मिलेगी। उद्घाटन के समय पर नगर पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी, महिला DSP पूनम थापा, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी शिव सिंह यादव, ट्रैफिक थाना प्रभारी रंजीत सिंह सिकरवार और भिंड नगर पालिका अध्यक्ष वीरेन तिवारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो कई बार यहाँ के लोगों के द्वारा भी मांग की गई है, हमारे द्वारा भी देखा गया कि दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे शहर में, एक हमारा जैसे गौरी सरोवर, यहाँ पे कई लोग जो है यहाँ पे शाम को आते हैं, घूमते हैं, दिन भर यहाँ पे सेल पेल भी रहती है, और इसी के साथ साथ जो हमारी हाउसिंग कॉलोनी है जहाँ पे हमारे कई कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं, जहाँ पे बच्चे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इन दोनों जगहों पर लोगों में सुरक्षा का भाव सुदृढ़ करने के लिए और एक पुलिस की लोगों के बीच में उपस्थिति को बनाए रखने के लिए इन दोनों जगहों पर एक स्थान का चयनित करके हमारे द्वारा कलेक्टर साहब के सहयोग से, CMO जो नगर पालिका है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके सहयोग से यहाँ पे जो हमारे CSP भिंड हैं, वो पूर्व में जो यहाँ TI रहे कोतवाली रविंद्र शर्मा, वर्तमान TI शिव सिंह यादव, TI देहात सुनील कुशवाहा, इनकी पूरी टीम, इनके द्वारा मेहनत की गई और यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं दोनों जगहों पर एक पुलिस सहायता केंद्र या जिसको एक छोटी पुलिस चौकी के रूप में बताया जा सकता है, उसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर हम लोग 24 घंटे जो है पुलिस बल को यहाँ पे और तैनात रखेंगे, साथ में जो हमारे नगर रक्षा समिति के भी सदस्य हैं उनके माध्यम से भी यहाँ पर उनको लगाया जाएगा और प्रयास यही रहेगा कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो रहवासी हैं और जो आम जनता का आना जाना है तो वो सुरक्षित महसूस कर सकें और शांतिपूर्वक विचारण कर सकें, और कई बार जो ऐसी घटनाएँ होती हैं जो इस क्षेत्रों में होती हैं तो उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके, इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए ये भिंड पुलिस की तरफ से पहल स्वरूप इन दो जगह चौकियों का स्थापन किया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी के माध्यम से, आप सभी के सहयोग से आने वाले समय में हम भिंड में और सुरक्षा का भाव जो है वो लोगों में और मजबूत कर सकते हैं। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।